हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी टेक न्यूज। फ्रेंड्स, अगर आप कोई एंड्रॉइड यूजर से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप भी ऐसे प्रॉब्लम का सामना किया होंगे कि अपना मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है ये पहले से काफ़ी बढ़ चुका है और मोबाइल का ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले से बहुत डाउन हो चुका है और मोबाइल भी कभी कभी हैंग होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ये तीनों प्रॉब्लम से परेशान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और जिस प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो जस्ट आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि अपना जो प्रॉब्लम है, हैंग होने का प्रॉब्लम, इंटरनल स्टोरेज फुल होने का प्रॉब्लम, तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको तीन प्रोसेस दिखाऊंगा, तो तीनों प्रोसेस आप ध्यान से देख लीजिए तो हो सकते है आपका बहुत काम में आ सकता है। तो पहला जो टिप्स है, तो इसके लिए आप अपना मोबाइल का डायलर पैड में जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है *#9900, इसके बाद ##। ये नंबर डायल करने के बाद आपका मोबाइल में इस तरह से कुछ इंटरफेस दिख जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप किसी के ऊपर टास्क मत कीजिए। तो आपको सिलेक्ट करना है #2 पर जो ऑप्शन है डिलीट डम्प स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट डम्प ऑप्शन मिल गया, तो आप ओके प्रेस करके उसे डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी आप अपना मोबाइल में पहले से ज़्यादा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर पाएंगे और स्टोरेज स्पेस इज रनिंग आउट ये मैसेज भी अपना मोबाइल में और डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये था पहला नंबर टिप्स और #2 में जो है ये भी आपका बहुत पसंद आने वाला है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपका मोबाइल में ऐसा कई सारे एप्लीकेशन होंगे जो आपका मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज यूज़ कर बैठते हैं और जिसकी वजह से आपका इंटरनल स्टोरेज धीरे धीरे फुल होते जाते रहते हैं और मोबाइल भी हैंग होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके उन सभी एप्लीकेशन को जो आपने इंटरनल स्टोरेज में है उन्हें आप SD कार्ड में मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन मैनेजर, और यहाँ पे सभी एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा जितना सारे एप्लीकेशन आपका मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिए, जो एप्लीकेशन आपका इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ इस एप्लीकेशन को मैंने चूज़ कर लिया, उसके बाद स्टोरेज में जाइए और स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर चेंज ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनल स्टोरेज में है, आप चूज़ कीजिए SD कार्ड। तो इस तरह से आप उसे मूव कर सकते हैं SD कार्ड में। तो ये प्रोसेस अप्लाई करके भी आप अपना इंटरनल स्टोरेज को आप खाली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबके लास्ट में जो टिप्स है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपने देखा होगा अपना मोबाइल में कई बार कैश फाइल स्टोर हो जाते हैं, तो जिसके वजह से इंटरनल स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो आप उसे डिलीट करके अपना मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज को भी आप खाली रख सकते हैं। तो इसके लिए फिर से अपना मोबाइल का सेटिंग में जाइए और यहाँ पर सभी सेटिंग आपको दिख जाएगा, आपको स्क्रोल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है और सिलेक्ट करना है स्टोरेज, देन इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैश फाइल, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज आप खाली रख सकते हैं, मोबाइल को भी हैंग होने से आप बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों प्रोसेस से कोई भी एक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और कोई भी प्रोसेस पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।